अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो चलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कबूतर कैसे हम लोग मनाते हैं पट्ठे को। ये देखिए, इसमें ज़्यादातर क्या सभी पट्ठे हैं, लगभग सिर्फ एक को छोड़कर ये जो सामने बैठा है ये सिर्फ पुराना कबूतर है, बाकी जितने हैं सभी पट्ठे हैं। टाइम हम आपको बताते हैं, शाम के 4:08 हो रहे हैं। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, इनको हम उड़ाते हैं, देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ठीक है, कितने अपने छत पर बैठते हैं या इधर उधर बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, क्या रिएक्शन रहता है इनका। और सिर्फ इसमें एक जो है बहुत ही पुराना कबूतर है, 2-3 साल उड़ा हुआ। तो चलिए इनको हम झंडी लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लगा और यहाँ से ऐसे करते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने झंडी मार दिया, इसको हटा देते हैं। अब ये रहा, यहाँ पे इसको कर देते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए सब कहाँ गए। ये देखिए दोस्तों, एक वहाँ पे जा रहा है, देखिए दो इधर पे हैं, दो वहाँ पे, एक वहाँ पे, और किधर चले गए हैं सारे। तो कुछ और कबूतरों को बाहर निकलवाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, एक ये बैठ रहा है, ये बिल्कुल जो है चहका पट्ठा जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये बिल्कुल चहका है। ये देखिए, ये दूसरा बैठा है और ये देखिए दोस्तों, ये जो है पुराना वाला है, ये वो है, वहाँ पे देखिए पट्ठे हैं सभी। ये देखिए दोस्तों, ये भी बैठ रहा है, ये पुराना वाला है। और ये देखिए, ये भी बैठ रही है जिसको हम उड़ाए थे, ये भी पट्ठी है। ठीक है दोस्तों, फीमेल है। दिखाते हैं हम आपको, 2, 4, 1, 5 अभी नहीं बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिखाते हैं, ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए मौसम बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। एक ये देखिए, ये वाला देखिए, ये भी बैठ जाएगा। और जब भी हम कबूतर उड़ाते हैं, तो जब नए कबूतर जो पट्ठे उट्ठे होते हैं, जैसे आज हमने उड़ाया अभी, तुरंत 5 मिनट के बाद जो है कुछ कबूतर हम निकाल देते हैं, ताकि जो है अपना छत जो है पहचाने कबूतर जो पट्ठे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वहाँ पे जा रहा है, दोस्तों शायद दिखाई दे कैमरे में आपको। ये देखिए यहाँ पे है, ये बैठ रहा है एक। दोस्तों इसी का हमने आपको शौक कराया था, हमने आपको कहा था कि ये फीमेल है, लेकिन जो है ये फीमेल की तरह लग रहा था, लेकिन अब जो है ये बहुत ज़्यादा घुड़क रहा है, तो ये फीमेल नहीं, ये मेल निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक और यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये बैठ रही है। तो अक्सर होता है कुछ कबूतर पहचान में नहीं आते हैं कि मेल है कि फीमेल है, धोखा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये भी अभी बैठी है। और कितने कबूतर बचे हैं हम आपको दिखाते हैं, 1, 2, 3, एक ये रही और एक ऊपर कबूतर गया है। देखिए एक पट्ठा ये है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बैठ रहे हैं उड़ान करके। और एक दिखाते हैं, एक अभी ऊपर यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये रहा एक। ऊपर है अभी, यहाँ पे देखिए मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम बना है जैसा कि देख रहे हैं आप। ये एक बचा है, बाकी सारे जो है बैठ गए हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं क्या हालत हुई है, लग रहा है कि कितना ज़्यादा उड़े, 2-4-5 घंटे उड़ के बैठे हैं, इस तरीके से वो खोल के हाँफ रहे हैं। और होता है दोस्तों, अभी मतलब बच्चे हैं, उड़ान किए नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे जो है इनकी उड़ान खुलेगी तो ऊपर जाएँगे। और कबूतरों को हम इसी तरीके से मनाते हैं, घर का पक्का कर लेते हैं, जो नए बच्चे होते हैं शाम के वक्त ज़्यादातर खोल के हम उड़ा देते हैं, कुछ देर छोड़ देते हैं, मतलब छत पे घूम लेते हैं, उसके बाद जो है हम उनको उड़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो
देख रहे हैं जैसा कि बहुत ही बेहतरीन नस्ल का ये कंदूमा है हमारा। और ये मुन्ना भाई, मुन्ना तो तुम्हारा सुबह में जो कबूतर भागा था आ गया, कबूतर आ गया भाई, बाज उसको मार के देखने रहा मुस्ताक नोच देले रहला। हां देखिए सुबह में जो है मुन्ना भाई का एक कबूतर जो है बाज ने मारा था और गांव में गिर गया था, वो आया नहीं। देखिए दोस्तों अपना ये कबूतर आके बैठ रहा है लास्ट, ये देखिए दोस्तों ये बैठ गया। तो मुन्ना भाई क्या कर रहे हैं, वो बैठ गया आपका आकर? आके मेरा बैठ गया भाई। उस घायल भी किया है? नहीं खाली पोंछ का मारा है, पोछ निकाल दिया ना, मतलब पोछ पकड़ा उसके बाद जो है वो गिर गया। देखिए बांज लग रहे हैं, मुन्ना भाई सुबह में उड़ाते हैं इसलिए इनके बांज मारते हैं, हम शाम को उड़ाते हैं। तो देखिए आपने कितने कबूतर हमने उड़ाए, लेकिन अभी एक भी बांज नहीं आए। अभी सुबह में आप उड़ाएंगे तकरीबन 6-7 बजे, तो ठंडा रहता है, ठंडा मौसम रहता है, इस वजह से बांज बहुत ज़्यादा आते हैं और मारते हैं कबूतरों को। तो ज़्यादातर आजकल बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, इस वजह से आप पट्टे को शाम को उड़ाएँ। दोस्तों एक देखिए वहाँ पर बैठ गया है जो काला कबूतर है, जो ये देखिए दोस्तों पट्टा वहाँ पे बैठ गया। तो कुछ पट्टे जो है मतलब इधर उधर बैठते हैं, तो वो भी उड़ेगा, तो मतलब अभी थोड़ा सा परेशान कर सकता है, उसके बाद आकर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो सारे कबूतर बैठ चुके हैं वहाँ पे देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि उड़ान कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, वो भी इसी तरीके से अपने घर के कबूतरों को बच्चे को मना सकते हैं, उड़ा सकते हैं। और पसंद आए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।